सलामत भाग गए। कपाल दिया ना मर्द बोल ना तुझे इस घर से। दादा साहब जिंदगी खराब है निकाय पैसे। दादा साहब और सुनी मुगली छावनी सावज बच्चे साहब क्या औरंगे से मुंडी के हत्ते बगैर मैं वापस आ ना रहा है। ये फोन बोल कुटे जो औरंगे किसी का चला संतजी राव चला बोल दादा साहब सत्यजी राव चला। दादा साहब आता चला चला दादा साहब नहीं चला चला दादा साहब संतजी राव मुगिल सैन्य संख्येने ज्यादा आहेत। आज तुझ नशीब बलवत्तर म्हणून तू वाचलास पण पुण्यांदा नाही वाचणार। आज तुझ नाक हे सोन्याचं चांद तारा असलेलं कळस कापून नेतोय पण मी पुण्यांदा येईन जेव्हा तुझी गर्दन कापून नेल्याशिवाय हे संताजी घोरपडा माघारी फिरणार नाही।
राणी साहब अव कालधरन काय भी खाल्ल नाही सा, पोटात अन्नाचा कण नाही का पाण्याचा थेंब नाही, आवा असं करून कसं चालल? जोवर संताजीरावांची काही खबर येत नाही तोवर आम्ही पाण्याच्या थेंबालाही स्पर्श करणार नाही। राणी साहब अव जिद करू नका सा, तुम्ही जेवला नाही सा म्हणून राज भी कालधरन उपाशी आहे। काय राजांनी थाळा घेतला नाही? राजे अहो काय आहे, आम्ही अन्न ग्रहण केले नाही म्हणून त्यांनी पण उपाशी राहावं? आम्ही त्यांच्या आजारपणात जागतो म्हणून आमची प्रकृती ठीक नसताना ते आमच्या उशाशी रात्रभर बसून राहतात। आम्ही त्यांची काळजी करतो आणि ते आमची। आणि तुम्ही दोघ मिळून स्वराज्याची काळजी घेताय सा, खरंच आम्ही लई भाग्यवान म्हणून आमासने असं राज आणि तुमच्या वाणी राणी साहेब भेटल्यात। आणि आम्ही भाग्यवान की आमचा विवाह स्वारींशी झाला। राणी साहेब, राजांनी तातडीने बोलवणं धाडलंय। काय झालं राजे, आपण धीर गंभीर मुद्रेत, खबर चांगली नाही का? नाही राणी साहेब, तसे काही नाही। ठरल्याप्रमाणे शंकराजी नारायण, प्रल्हाद निराजी, खंडोबल लाळ, पंत अमात्य यासारखे मुत्सदी कारभारी शिलेदार आपापल्या मुक्कामी पोहोचण्याच्या खबरा आल्या, परंतु संताजीरावांची अद्याप काही खबर नाही। आणि म्हणूनच कालपासून आपण ना थाळा घेतला ना पाण्याचा थेंब मुखात घेतला। राजे, पित्ताचा त्रास इतका वाढलाय की आपल्याला चक्कर येऊ लागली, ही मात्रा घ्यावी आणि खाऊन विश्रांतीही घ्यावी। क्या राज, घनश्यामराव आले आहेत, ते आपल्या भेटीची इजाजत मागतायत, बोलवा त्यांना। बधाई हो राजाजी, बधाई हो। कान्हाजी ने हमारी बात सुन ली राजाजी, संताजी राव ने मुगली छावनी में तबाही मचा दी। सारे मुगल सैनिक तितर बितर होकर भागने लगे। संताजी राव की शमशेर बिजली बनकर कड़की बिजली। इतना ही नहीं राजाजी, सीधे गुलालबारी में घुसकर बादशाह सलामत का सर कलम करने का मनसूबा था उनका, मगर वो बादशाह सलामत आलमगीर औरंगजेब ने अपनी जान बचाने के लिए जनाने का आश्रय लिया। इससे छिड़कर संताजी राव ने गुलालबारी के गुंबद ही तबाह कर दिए। एक के बाद एक ऐसे 5 गुंबद हवा में उड़ा दिए। राजा जी, मुगलों की तो नाक ही कट गई। ऐसा लग रहा था गुंबद नहीं औरंगजेब का सर काट दिया हो। ये खुशखबर सबसे पहले आपको सुनाना चाहते थे राजा जी, इसलिए पवन पर सवार होकर आपसे मिलने चले आए। कुसूर माफ आलीजा, कुसूर माफ। लाखों हशमों का घेरा तोड़ वो संताजी हरामखोर आपके ख्वाबगाह तक वहां पहुंचा, आंधी की तरह आया और यहां सब कुछ तहस नहस करके चला गया।
गईम। हजरत हजरत, हमने जी जान लगाई थी, लेकिन लेकिन नहीं 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 बचा पाए। किसी जीने का कोई हक नहीं है। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राजे, उपासामुळे आपला पित्ताचा त्रास उफाळलाय। राजवैद्यांनी दिलेली मात्रा घेऊन आराम करावा। आम्ही थाळा पाठवण्याची व्यवस्था करतो। राणी साहेब, आमचे सगळे आजार दूर पळले तथा। और राणी साहेब, अभिमन्यूस कौरवांचं चक्रव्यूह भेदता आलं, पण दुर्दैवाने त्यातून बाहेर पडता आलं नाही। पण आपल्या अभिमन्यूने, आपल्या संताजीरावांना मुघलांचं चक्रव्यूह नुसतं भेदलं नाही, तर त्या औरंगाचं नाक कापून बाहेर परत आले। पराक्रमान संतोष झाला। भेकडा सारखा जनानखान्यात लपला तो औरंग्या, म्हणून वाचला। परंतु मराठी समशिरीच्या धास्तीनं झोप उडाली असेल त्याची, हे मात्र नक्की। राजे, आम्हास वाटते संताजीरावांच्या या भीम पराक्रमामुळे स्वराज्याचे गत चैतन्य पुन्हा प्राप्त होईल। राजे, आम्हाला आज्ञा द्यावी, आमच्या निघण्याची तयारी करा। जी। हमारी बेइज्जती का ये नजारा फौरन साफ कर दो। हमारी लाडली शहजादी जीना ताने को है वो ये मनहूस नजारा ना देखे। और अगर तुमसे नहीं होता है तो कह दो तुम्हें भी इसकी तरह मौत की आगोश में सुला देंगे हम। अब्बा हुजूर, शहजादी जीनत, आप कब आए? आप तो कल आने वाली थी ना, वो आज आप यहाँ अब खड़ी क्यों है? बैठ बैठ, नहीं कहा वो, ये सब ठीक 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 हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे अब इतनी कड़ी धूप में खड़ी है, अरे कोई है हमारी बेटी के लिए छाता लाओ, अरे कोई है, कोई सुन रहा है? असद छाव में बैठ। औरंगजेब कहाँ है? औरंगजेब कहाँ है? औरंगजेब कहाँ है? औरंगजेब कहाँ है? हुजूर, हुजूर, संता है, संता। क्या? हाँ, संता। हाँ। बासा सलामत कहाँ है? वो जनान खाने में छुप गए। या अल्लाह, बासा सलामत जनान खाने में छुप गए।
हुए भी अभी आना था जीनत। जब अल्लाह ताला और काफिर संता दोनों ही हमारे खिलाफ है। देखिए देखिए क्या हालत कर दी है संता ने हमारी छावनी की, और अल्लाह ताला ने आपको तलब कर दिया ये मनहूस नजारा देखने के लिए। किसी भी इंसान को, एक वालिद को जंग में मिली शिकस्त मंजूर है, बस वो शिकस्त उसके बच्चों के आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए। आलम बना, आलमगीर, शहंशाह, देख लीजिए शहजादी जीनत, देख लीजिए आपके वालिद को मिली शिकस्त, देख लीजिए मुगल सल्तनत की इज्जत की बड़ी छीतड़ियां, देख लीजिए। नहीं अब्बा जान, आप मायूस मत हो, हमारी हिम्मत, ताकत और फौलादी इरादे सब वैसे के वैसे हैं। हमारी सल्तनत और हुकूमत कायम है अब्बा हुजूर। अब आप ये मनहूस बातें करना बंद कीजिए और कुछ देर आराम फरमाइए। आराम तो इस जिस्म को कभी नसीब नहीं हुआ शहजादी, और बाकी बची नींद भी वो संता हराम कर गया है। इतना शर्मसार हमने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। छी, वो संता हमारी फौज का पहरा तोड़ छावनी के बीचों बीच बसे शाही छावनी पर लगे सोने के चांद तारे के गुंबस को, यानी शाही कलश को तोड़ के ले गया, और हम कुछ नहीं कर सके। नाक काट दी हमारी उसने, और हिंदुस्तान का शहंशाह अपनी जान बचाने के लिए, संता के हमले से अपनी जान बचाने के लिए जनान खाने में जाकर जनानियों के बीच छुप गया। ये खबर जब हमारी सल्तनत में फैलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, मिट्टी में मिल जाएगी पूरी। या अल्लाह, ये नजारा देखने से पहले आपने हमें उठा क्यों नहीं दिया? अब्बा जान, हमारी छावनी की हिफाजत का जिम्मा तुम्हारा और तोपों के सालार तरबियत खां का था ना? दादो! जी जी आली साहब। बड़ी शेखी हाँकते थे तभी, तींगे मारते थे, तोपे तैयार है, तोपों में बसा बारूद, वरठों पर सैलाब बनकर कहर बरसाने के लिए तैयार है। क्या हुआ उन तोपों का क्या वो भी तुम जैसी नाकारी और निकम्मी है? माफ़ है आली साहब, लेकिन उन काफर मरहट्टों ने भी हमला उसी वक्त किया जिस वक्त हमारे फौज की आंखें लगती है। खामोश बेमुरव्वत! आलमपना, उस काफर संता की खबर मिलते ही हम खुद उसे पकड़ने रवाना हो रहे हैं उस मुहिम पर। जंग के लिए फौज तैयार खड़ी है, सिर्फ उस संता की खबर मिलते ही। खबर नहीं असद, खबर नहीं। अब हमें कब्र चाहिए, संता जी की कब्र।